हेलो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ एक मिठाई की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई रेसिपी है। इसको बहुत इजी तरह से आप इसको बना सकते हैं, और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये झटपट से रेसिपी आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको हमने कैसे तैयार किए हैं और इसको हम दिखाएंगे, इस मिठाई को हमने इसको कैसे बनाए हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, और ये मुंह में बहुत ही अच्छे से घुल जाने वाली मिठाई है। आप इसको एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी तरह से बना के। तो चलिए इस रेसिपी को हम दिखाते हैं इसको हमने कैसे बनाए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने ये दो बिस्किट लिए हैं, ये टाइगर बिस्किट है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 10-10 रुपये का ये टाइगर बिस्किट लिए हैं। अब इनको हम ये बिस्किट को फाड़ करके निकाल देंगे कवर में से। तो सभी बिस्किट को हम निकाल लेंगे। अब इन बिस्किट को हमें तोड़ के ऐसे एक बार ऐसे तोड़ लेना है, हाथों से अच्छे से मसल लेना है, छोटे छोटे पीस में ऐसे हम तोड़ लेंगे। तब इसको हम एक मिक्सर का जार लेंगे। अब इसको हम इसमें ये बिस्किट का जो टूटा हुआ टुकड़े उसको डाल देंगे और इसको पीस के एक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, हमने पीस के इसका पाउडर अच्छे से बना लिए हैं, ये बहुत ही महीन से पीस गए हैं। अगर ये छोटे मोटे ये टुकड़े रह जाएं, अगर ज़्यादा रह जाए तो उसको निकाल दीजिए, और छोटे थोड़े रह जाए तो भी चलेगा। तो फिर देखिए, हमने गैस पे ये पैन चढ़ा दिए हैं और इसमें हमने आधा कप ये दूध डाल लिए हैं। गैस को हमें थोड़ा हाई करके दूध को एक बार उबाल लेना है, फिर इसको हम कम कर देंगे। तब जब दूध उबल जाए उसके बाद ये जो बिस्किट का ये पाउडर है बनाए हमने, उसको हम डाल के बस एक मिनट ऐसे घुमा देना है। बस घुमा के थोड़ा सा ये अच्छे बिस्किट सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से मुलायम हो जाएंगे। बस इसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें निकाल लेना है। तो देखिए, हमारे ये बिस्किट हो गए हैं अच्छे से, थोड़े से मुलायम, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसको हमने दूसरे बर्तन में निकाल दिए हैं बिस्किट को। फिर उसी पैन में हमने ये दोबारा ये दूध डाला है, तो हमने आधा कप ये दूध डाल लिए हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से गर्म कर लेंगे। तो देखिए, उबाल आ चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये मिल्क पाउडर डालेंगे। तो हम इसमें अब हम 4 चम्मच ये मिल्क पाउडर डाल लेंगे इसी में। अब इसको हम चला के अच्छे से इसको ये रबड़ी के जैसे मुलायम कर लेंगे, जैसे थोड़ा इसको हम भूनते हुए रबड़ी के जैसा बना लेंगे। तो देखिए, हम ये कितने अच्छे रबड़ी के जैसे हो गए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और एक मिनट भूनेंगे। गैस को हमें लो मीडियम पे कर लेना है, और इसको लो मीडियम पे करके इसको हम थोड़ा एक डेढ़ मिनट इसको हम ऐसे भूनेंगे। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ऐसे ड्राई कर लेंगे। तो देखिए, थोड़ा ये दूध अच्छे से सूख गए हैं, थोड़ा देखिए ज़्यादा ही हार्ड हो चुके हैं। अब इसी तरह से इसको हमें निकाल लेना है। तो देखिए, हमने ये बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसको हमने हाथों से देखिए अच्छे से कैसे फेंट लिए हैं। तो हम इसको हम 2 से 3 मिनट इस तरह से हमें फेंट लेना है। जब ये फेंटेंगे तो इसी तरह से मुलायम बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमने 2 से 3 मिनट इसको ऐसे फेंट लिए हैं, और देखिए कितने अच्छे से मुलायम बन गए हैं। और फिर देखिए, जो हमने ये बिस्किट का डो बना के तैयार किए थे, तो देखिए इसको हमें एक बार ऐसे थोड़ा सा मसल लेना है। मसलने से ये बहुत ही अच्छे से मुलायम हो जाएंगे। जब हमने थोड़े देर के लिए इसे छोड़ दिए थे, थोड़ा ये क्रैक हो गया था। तो इसको एक बार इसको हाथों से 1 मिनट ऐसे मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से मुलायम हो जाए। अब फिर चलिए इसको दिखाते हैं कैसे हमने बना के इसको मिठाई को तैयार किए हैं। तो हमने ये देखिए एक कवर ऐसे पेपर लिए हैं। अब जो ये बिस्किट है इसको हम ऐसे रख देंगे, फिर इसको ये कवर को ऐसे पलट देंगे, पलट के एक बेलन की मदद से ऐसे ऐसे बेल लेंगे।
तो देखिए आप एक मीडियम में इसको बेल के तैयार कर देंगे, ना ज़्यादा मोटा रहे ना ज़्यादा पतला। एक मीडियम में इसको हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब जो हमने ये दूध और मिल्क पाउडर का ये क्रीमी सा जो ये चीज़ बनाए हैं उसको हम इस बिस्किट के ऊपर चारों तरफ फैला लेंगे। तो हमें इसी तरह से चारों तरफ फैला के तैयार करना है। ये बहुत ही इसी तरह से हमारा ये मिठाई अच्छे भी दिखेंगे और खाने में स्वादिष्ट भी रहते हैं। आप इसको ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए हमने चारों तरफ ऐसे लगा लिए हैं। तो इसी तरह से हमें सभी चारों तरफ से ऐसे फैला लेना है, ऐसे चारों तरफ ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए हमने मिल्क पाउडर और दूध के ऐसे जो क्रीमी सी चीज़ बनाए थे इसको चारों तरफ ऐसे देखिए फैला लिए हैं। अब ये जो पेपर है उसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे मोड़ देंगे। तो हमें थोड़ा ऐसे मोड़ते हुए घुमा लेना है। तो देखिए इस तरह से घुमा के थोड़ा सा इसे घुमा लेंगे, थोड़ा सा इसको दबा देंगे। तो देखिए हमारा ये रेडी है। अब इसको हम थोड़ा आधा घंटा के लिए इसी तरह से फ्रिज में रखेंगे ताकि ये हमारा मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। और जब हम इसका कटिंग करेंगे तब ये बहुत ही अच्छे से मिठाई बनके हमारा रेडी हो। तो इसी तरह से हम आधा घंटा के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, ये बाहर भी अच्छे से सूख के सेट हो जाएंगे, तो आप बाहर भी रख सकते हैं। तो हम थोड़ा हमने फ्रिज में ही रख के जल्दी से इसको तैयार कर लिए हैं। तो देखिए आधा घंटा हो गए हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो चुके हैं। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो एक चाकू की मदद से ऐसे हम कटिंग करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, उतना खाने में भी ये अच्छे हैं। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए। ये मिठाई मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई हमने बना के रेडी किए हैं। आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए फ्रेंड ये बिना शक्कर का हमने ये मीठा तैयार करके रेडी कर लिए हैं। तो देखिए कितना लग रहा है ना बाजार जैसा मीठा। आप जब एक मीठा ज़्यादा ना खाते हो तो इस तरह से आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो देखिए हमने कटिंग करके रेडी कर ली है और देखिए कितना अच्छे लग रही है, जैसे बाजार जैसी मिठाई। तो आप झटपट से घर में भी ये मिठाई ऐसे बना के तैयार कर सकते हैं। आप किसी को भी ऐसे झटपट से ये मिठाई बना के खिला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे बनके हमारे रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरा ये रेसिपी आपको फ्रेंड देख के पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू।